साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी भाई। आज अपन बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड, कुवैत की क्या हालात हैं, कोरोना से अपडेटेड, वहां की गवर्नमेंट ने क्या आप लोगों के लिए बोला है, आगे आने वाले एक महीने में क्या होने वाला है, इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको अपडेट नई नई विदेश से रिलेटेड यहाँ पे मिलती रहे। तो साथियों शुरुआत करते हैं अपन कोरोना अपडेट से रिलेटेड। तो आज पहला पॉइंट अपना ये रहेगा कि कुवैत के हालात क्या हैं कोरोना पे, क्योंकि पूरा सिस्टम इसी पर टिका हुआ है। तो कोरोना की बात करें तो भाई 2200 प्लस वहाँ पर अभी तक पॉजिटिव हो चुके, जिसमें से 13 की अभी तक डेथ हो चुकी है, उसमें से 450 के करीब रिकवर हो चुके हैं। ये तो है कोरोना से रिलेटेड अपडेट। आगे बात करते हैं साथियों कि वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के सांसद हैं जो संसद जो वहाँ की सरकार में मान लीजिए जो मंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों ने वहाँ पे आवाज़ उठाई है कि भाई हम लोगों ने इतनी सुविधाएं दे रखी हैं गैर मुल्की लोगों के लिए, जिसमें इंडिया हो गया, बांग्लादेशी, नेपाली, कोई भी कंट्री का हो गया, हम बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी कंट्री जा सकते हो, जिसमें टिकट वो दे रहे हैं, पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बना के दे रहे हैं, या ब्लैक लिस्ट नहीं होना, जुर्माना भी नहीं ले रहे हैं। इनके बावजूद भी काफ़ी सारी कंट्री हमारा सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो भाई ये तो है देखो मनगढ़ंत बातें, कार्रवाई का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, खासतौर से इंडिया पर तो नहीं होता। इंडिया आज के टाइम में पॉपुलर कंट्री है, पावरफुल कंट्री उभर के आ रहा है, तो कोई कंट्री की हिम्मत नहीं है कि वो कंट्री इंडिया से पंगा ले। तो ऐसे इंडिया वाले जो हैं उनको वो तो दिमाग से निकाल दें ये बातें, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं साथियों, 24 तारीख से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है 24 अप्रैल से। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भाई कर्फ्यू लगा दिया है पूरे पूरे एक महीने के लिए, ये मैं बता दूं आपको, 24 अप्रैल से लेके 28 मई तक के लिए कर्फ्यू लग चुका है, कोई काम नहीं होने वाला है। शाम को 4 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक बाकायदा कर्फ्यू रहेगा, कोई काम वाम नहीं होगा, काम बिल्कुल बंद कर दिए गए, काम स्टॉप कर दिए गए। यानी पूरा पूरा एक महीने आपको बैठ के खाना है रमज़ान के महीने में, और इस दौरान अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करेगा तो बाकायदा गवर्नमेंट ने अपना नोटिस जारी किया है कि भाई हम सख्त कार्रवाई करेंगे, जिसमें अगर आप गैर मुल्की हो तो आपको डिपोर्ट करना, ब्लैकलिस्ट करना, जेल में डालना, ये प्रोसेस तो आपको पता है होते ही हैं। तो भाई ध्यान रखें इस चीज़ का, बाकायदा 24 अप्रैल से लेके 28 मई तक के लिए कर्फ्यू लग चुका है अपने कुवैत में। एक भाई बैड न्यूज ये है कि कोरोना से अभी तक 2 लोगों की मौत हुई है आज की डेट में, जिसमें एक बांग्लादेशी था, एक सोमालिया का था। ये न्यूज़ इसलिए बताना ज़रूरी है भाई, ध्यान रखें, वरना कोरोना अगर हो जाता है ना वहाँ पर पीड़ित हो जाता है तो ये समझ लीजिए बॉडी आना मुश्किल है, वहीं का वहीं रहना पड़ेगा, घर वालों को बोलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये अपना बचाव करें, कुछ भी करें, इंसान भूखा रह सकता है लेकिन बीमारी लग गई ना तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो। इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने आज कुछ इलाकों से लगभग 1200-1300 बंदों को वहाँ से निकाल के और अपनी जगह लेके गई है ताकि वहाँ पे सुरक्षित रहे। वो आप अगर कुवैत में तो आपको पता ही होगा इस मैटर का। मेन अपडेट, बहुत सारे लोग अपडेट ये मांगते हैं सर वीज़ा टिकट, तो भाई मैं बता दूँ अगर आपका हकामा है, हकामा एक्सपायर हो गया है तो 3 मंथ के लिए आपका हकामा रिन्यू ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई जुर्माना, टैक्स वगैरह, ब्लैक लिस्ट होने का कोई चक्कर नहीं रहेगा। ये आज की गवर्नमेंट ने अपनी नई अपडेट जारी करी है हकामा वालों के लिए। दूसरी बात बता दूं, वीज़ा के लिए जिनका वर्क परमिट वीज़ा लगा हुआ है, आया हुआ है, वो अगर एक्सपायर हो जाता है तो भाई वहाँ की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम आपको विजिट बुला वीज़ा पे बुलाएंगे, वो कंपनी आपको विजिट वीज़ा देंगी, उस वीज़ा पे आपको वहाँ जाना है, फिर आपका वर्क परमिट वीज़ा पासपोर्ट में लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोनों न्यूज़ आपके लिए बेस्ट हैं, अच्छे आपका हकामा एक्सपायर हो रहा हो, जो आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत इस हिसाब से नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके लिए ठीक होगा। लास्ट नंबर पर बात करेंगे साथियों टिकट से रिलेटेड, भाई टिकट की क्या अपडेट है। तो भाई ये बातें हैं, इतने ज़्यादा वीडियो आ रहे हैं यार, मैं तो देख देख पागल हो रहा हूँ। टिकट के अलावा कोई लोगों के पास मैटर ही नहीं है यार, जबकि सबको पता भाई इंडिया में 3 मई तक लॉकडाउन है और अपनी गवर्नमेंट ने सख्त फैसले लिए, आपको पता होना चाहिए। जब इंडिया में 22 अप्रैल से पहले लॉकडाउन नहीं था ना, तब तक बहुत सारी कंट्रियों से इंडिया खुद गवर्नमेंट अपने बंदों को लेके आई है, ये आप क्यों बोल रहे हो। लेकिन अभी लॉकडाउन लग गया, नहीं आ सकते, अभी स्थिति आपको नहीं पता, अभी थोड़ा सा ध्यान रखें, धैर्य रखें 3 मई तक का, उसके बाद 100% आपका विदेश में बैठे हैं उनका कुछ न कुछ हल 100% होगा। अगर आगे लॉकडाउन बढ़ भी जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट आपके पक्ष में कुछ न कुछ हेल्प करेगी, तो थोड़ा सा आराम से रहें। कुवैत से रिलेटेड मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही सही जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।